अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपना पहला डिज़ाइन डिज़ाइन क्लाउड पर सबमिट कर देते हो तो उसके बाद होता क्या है? अगर आपने अपना पहला डिज़ाइन सबमिट नहीं किया तो मैंने आपके ऊपर लिंक दी हुई, आप देखो किस तरह डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसको सबमिट करो। अब आपने सबमिट कर दिया है तो उसके बाद क्या होता है भाई? दो ही सिचुएशन होती हैं, या तो आपका डिज़ाइन वो अप्रूव कर देगा या तो आपका डिज़ाइन रिजेक्ट कर देगा। और देखते हैं क्या होता है जब अप्रूव होता है। तो जब आपका डिज़ाइन अप्रूव हो जाएगा तो आपको ईमेल आ जाएगी, यहाँ पे आएगी क्वालिटी टीम की तरफ से ईमेल आएगी, बोलेगा भाई आपका डिज़ाइन हो गया अप्रूव। यहाँ पे आपको बताएगा भाई आपका नाम जो भी रखा हुआ यूज़र नेम आपने ये वगैरह वगैरह, आपका डिज़ाइन ये था, क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कर किया, और कह रहा है कि अब और डिज़ाइन अपलोड करो। भाई ये तो नॉर्मल सिचुएशन है भाई, आपका डिज़ाइन हो गया अप्रूव। लेकिन अगर आपका डिज़ाइन अप्रूव नहीं हुआ, उन्होंने आपका डिज़ाइन अप्रूव नहीं किया, तो उसके उसमें क्या होता है? उसमें भी यही होगा, आपको ईमेल आएगी लेकिन वो ईमेल थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें वो आपको सुना रहा होगा, बोलेगा भाई हम तुम्हारा डिज़ाइन नहीं ले सकते। बोलेगा भाई हमने आपका डिज़ाइन डिक्लाइन कर दिया है, बहुत दुख हुआ जान के, लेकिन इसके बावजूद भी आपका डिज़ाइन, ये आपने डिज़ाइन दिया था, डिज़ाइन बहुत बेहतरीन था लेकिन हमें हज़म नहीं हुआ। हज़म क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे आ रहा होगा रीज़न उसका। मैंने पहले बताया था आपने मौका भी इस्तेमाल नहीं करना, डिज़ाइन अच्छा बना हुआ है, ये अगर दोबारा अपलोड किया जाए बगैर मौका के ये अप्रूव हो गया, हो गया था बाद में, ये समझ रहे हो क्या बोल रहे? डिक्लाइन रीज़न क्या है? यूज़ ऑफ मौका इज़ नॉट परमिटेड एट दिस स्टेज। मौका आपने इस्तेमाल नहीं करना था स्टार्टिंग स्टेज में, तो अगर आपका डिज़ाइन डिक्लाइन हुआ है तो आपने ये देख लेना है, समझ रहे हो? अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा भाई क्या रीज़न होते हैं डिक्लाइन होने के, पहले ही मैंने बताया है, वो भी देखना चाहो, वरना मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी सारी करें, सही हो गया।